गुड मॉर्निंग, मैं शबाना, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। रोज़ से रिलेटेड मैंने कई वीडियो अभी रिसेंट बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये रोज़ प्लांट है जिसको मैंने रीपॉट किया था, रीपॉटिंग का वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। जो आंधी तूफान में ये प्लांट गिर गया था, मेरा गिर कर टूट गया था पॉट इसका, इसको मैंने कई दिनों तक यूं ही छोड़ दिया था और रिपोर्टिंग लेट हो गया था, तो वही प्लांट है ये। प्लांट मेरा 6 इंच के पॉट में था जब गिर के टूटा था और इसको मैंने रिपोर्ट किया था, तो इसको मैंने 8 इंच का पॉट दिया था। कोकोपीट मीडिया में मैंने इसको लगाया था और आप देख सकते हो इसका रूट सिस्टम, देखिए कुछ ही दिनों में, अभी 10-15-20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं अभी, आप देख सकते हो इसमें ये इसके रूट्स हैं, फाइबरस रूट्स हैं, हेल्दी वाइट रूट्स हैं। प्लांट मेरा बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। कोकोपीट मीडिया एक बेस्ट मीडिया है, तो जितने भी प्लांट मैंने सॉइल में लगाए हैं सबको मैं धीरे धीरे कोकोपीट में रिपोर्ट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि मुझे सॉइल के कंपैरिजन में कोकोपीट में मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। तो ये वही प्लांट है जिसको मैंने रिपोर्ट किया था और आपका वीडियो आपके साथ शेयर किया था। और फर्टिलाइज़र के बाद ये ग्रोथ है प्लांट में, जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट लगभग 2.5 से 3 फीट हाइट आ गया है ग्रोथ इसका। फर्टिलाइज़र मैंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ जो फर्टिलाइज़र मैं स्टार्ट की थी 1261 और सी वीड फर्टिलाइज़र वही दे रही थी, बाकी जो ये ग्रोथ है सिर्फ मैं स्प्रे से कर रही थी। स्प्रे फर्टिलाइज़र जो दे रही हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, PGR का, इंसेक्टिसाइड देती हूँ ताकि ये जो टिप्स हैं, न्यू टिप्स निकल के आ रहे हैं, ये टिप्स में पेस्ट अटैक होता है तो ग्रोथ रुक जाता है प्लांट में, तो इंसेक्टिसाइड मस्ट है, उसको मैं हमेशा देती हूँ। तो ये न्यू ग्रोथ निकल के आ रहा है प्लांट में। फ्लावरिंग मैंने लिया है, कई प्लांट में मैंने फ्लावरिंग लिया है, सारे प्लांट में लगभग मैंने फ्लावरिंग ले लिया है। यहाँ मेरे पास एक और प्लांट है जैसे कि आप ये देख सक रहे हो, सभी प्लांट में, ये देखिए एक प्लांट और है मेरे पास, ये जुमेलिया है। मुझे सभी फ्लावर्स के आईडी नहीं पता है, कुछ कुछ प्लांट अभी आईडी मैं सर्च कर रही हूँ, एक एक प्लांट के आईडी मुझे पता चल रहा है, तो मैं सोची हूँ इस बार से प्लांट में आईडी टैग बनाकर प्लांट में मैं लगा कर रखूँगी ताकि आसानी हो इसका केयर और टिप्स हमें शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो ये एक प्लांट है मेरा जुमेलिया का, इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और ये एक प्लांट है बटन रोजेस का, ये एक ग्रोथ है। तो अभी फ़िलहाल मेरे सभी प्लांट में अच्छे से ग्रोथ आ रहा है। ये एक प्लांट आपको दिखा दूँ मैं, ये प्लांट ये नीचे से खाली है, तो ये जो फ्लावर्स मैं इसमें ले रही हूँ काफ़ी फ्लावर्स है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, बर्ड्स भी बनकर आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, इधर एक है, इधर एक है। तो ये बर्ड्स सबको मैं कट करूँगी, एक साथ सभी बर्ड्स को मैं कट करूँगी, मेरे सारे प्लांट्स में जितने भी बर्ड्स आ रहे हैं सभी को मैं कट करूँगी, इन सबको भी मैं कट करूँगी। अभी मैं प्लांट में फ्लावर नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ फ्लावर देखना चाहती थी कि मेरे पास कौन कौन से कलर के फ्लावर हैं, तो ताकि मैं जब न्यू परचेस करूं तो मैं दोबारा फिर वही प्लांट ना ले लूं। तो उसके बाद अभी मैं प्लांट का एक साथ प्लांट में कट करूंगी। एक साथ फ्लावर कट करने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम एक साथ फ्लावर कट करते हैं तो अपने प्लांट में जो ग्रोथ आता है एक साथ आता है, और फ्लावरिंग भी जब उसमें निकल कर आएगा तो एक साथ आएगा। तो मैंने जो फर्टिलाइज़र दिया था 1261 और सी वीड फर्टिलाइज़र, ये उसी का रिज़ल्ट है। बीच में मैंने हफ्ते में एक बार इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का भी दाना दिया था, पर पॉट में मैंने कैल्शियम नाइट्रेट 0.5 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। जैसे कि ये कोकोपीट मीडिया है, कोकोपीट मीडिया में भी मैंने 0.5 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डाला था, और कैल्शियम नाइट्रेट से मेरे प्लांट को अच्छा बूस्ट मिला है।
जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देख रहे हो कितने सारे फ्लावर्स इसमें निकल कर आए हैं। तो हालांकि अभी फ्लावर्स नहीं लेना चाहिए, पर लालच बुरी बना है। फ्लावर देख के मैं काटना नहीं चाह रही थी इसको, तो एक के बाद जब इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स जब आ रहे थे तो मुझे काटने को मन नहीं किया और मैंने सारे बर्ड्स को रख लिया। तो ये बस एक ही बैच मैंने फ्लावर का लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें डिसबर्डिंग करूँगी, कंटिन्यू रखूँगी डिसबर्डिंग, सारे फ्लावर्स को कट कर दूँगी और तब तक डिसबर्डिंग करती रहूँगी जब तक ये रेनी सीज़न चल रहा है। रेनी सीज़न में प्लांट को अच्छा ग्रोथ मिलेगा और अच्छा हमारे प्लांट में बुशीनेस आ जाएगा। जितने ब्रांचेस होंगे उतने हमारे प्लांट में फ्लावर्स आगे विंटर सीजन में खिलने को हमें मिलेगा और हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत और देखने लायक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ तक जब आपने देख लिया है वीडियो, तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने गार्डनर दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपने गार्डन में ऐसे रंग बिरंगे फूल देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के साथ मैं अपने गार्डन का रोज़ गार्डन का ओवरव्यू शेयर करने के लिए बनाई हूँ, ताकि आप देखें मेरे फ्लावर्स को कि कितने अच्छे इसमें मुझे रिस्पॉन्स मिला है। जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है, तो आप भी ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, आप भी अपने गार्डन में ऐसे ग्रोथ पा सकते हो अपने प्लांट में। बाकी प्लांट में पानी का ख्याल ज़रूर से रखें। मॉनसून है, बारिश हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर बारिश नहीं हो रहा है तो भी हमें अपने प्लांट में डेली वाटरिंग करना है। हल्की बारिश के वजह से सिर्फ पॉट के ऊपर की मिट्टी भीगी होती है, अंदर सॉइल सूखा होता है, तो उससे प्लांट हमारा स्ट्रेस में जाएगा और उसके ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा और उसका ग्रोथ रेट भी स्लो हो जाएगा। तो पानी का ज़रूर से ख्याल रखें। बाकी जो शेड्यूल है हमारा स्प्रे फर्टिलाइज़र्स, उसका ज़रूर ख्याल रखें। इंसेक्टीसाइड को कभी मत भूलें, उसका ख्याल रखें। और बाकी आगे सिर्फ यही फर्टिलाइज़र आप कंटिन्यू कीजिए, आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ डिसबर्डिंग का लेकर आऊँगी कि किस तरह हमें अपने प्लांट में डिसबर्डिंग करना है और क्या फर्टिलाइज़र हम इसमें आगे देंगे ताकि हमें और भी अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो अब रुकती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी मौसम, एन्जॉय योर गार्डनिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।